का प्रोग्राम। ये मुसलसल तीसरी मर्तबा मोदी साहब ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है अजीत डोवल साहब पे, क्या रीजंस हैं? अजीत डोवल साहब बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों अपना जो है हिंदुत्व पे यकीन भी रखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली समझने वाली, वो ये थी जिसको मैं बड़ा अहमियत दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। पहली बार हुकूमत रियासत कौमी सलामती के इदारों के बारे में चलाई जाने वाली मुनासिब मुहिम का तोड़ करने की जरूरत है। आपको बताएं कीनिया के सदर विलियम रोटो ने बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद अपनी पूरी काबीना को बरतरफ करके और एक वसी बुनियाद हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत का ऐलान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार तीसरी बार अजीत डोवाल को भारत का NSA बनाया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं उसमें भारत के NSA अजीत डोवाल का काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से एक के बाद एक आतंकियों की ठुकाई हो रही है उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में हमले करने वाले आतंकियों को छुपा रखा है उनकी अब एक एक करके उल्टी गिनती पूरी तरीका से शुरू हो चुकी है। तो आइडियोलॉजी RSS की या BJP की, तो और फिर बड़ा तजुर्बा है अजीत डोवाल साहब का। डोवाल साहब जो हैं बुनियादी तौर पे तो इनका जो इंडियन पुलिस सर्विस है उनसे ताल्लुक़ है, और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे इन्होंने सर्व किया। पाकिस्तानी भी तकरीबन एक साल अंडर कवर रहे, 6 साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में भी उन्होंने काम किया, सही, लंदन में भी ये काम किया, वहाँ पे भी एज मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने काम किया। तो अजीत डोवाल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है भारत का, तो उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत से इशूज़ में, और राइटली सो। उनकी एज इस वक्त तकरीबन आपके लिए 79 ईयर्स हो गई है, और अब भारत का जो मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें बहुत सी चिमगोयाँ हो रही हैं कि आया मोदी डोवाल साहब कितने अरसे तक रहेंगे, क्योंकि एक अनरिटन आप कह लीजिए प्रैक्टिस है भारत में मोदी साहब के आने के बाद कि 75 के बाद फिर आप यह है कि घर चले जाएं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। जिस तरह मोदी साहब ने LK अडवाणी साहब को घर भिजवा दिया कि बस आप 75 साल के हो गए हैं, अब आप ये हमें आप घर बैठिए हमें एडवाइस कीजिए, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आपकी अब जगह नहीं बनती। तो अब चूंकि मोदी डोवाल साहब की उम्र जो है वो अब 79 की है, तो अभी तीसरी बार इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है, और इंटरेस्टिंगली जो टर्म डिफाइन नहीं की, जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन इनका इशू हुआ है कि कितने अरसे तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहेंगे, उसमें ये कहा गया है जब तक मोदी साहब कोटर्मिनस मोदी साहब के जब हैं प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त तक डोवाल साहब भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इससे आप ये भी इन्फर कर सकती हैं कि शायद मोदी साहब भी पूरे 5 साल ना निकाल सकें, क्योंकि मोदी साहब भी 2 साल के बाद 75 के हो जाएंगे, सही। तो ये भी मुमकिन है क्योंकि RSS और मोदी साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। RSS का ख्याल ये है कि जो इस बार इंतखाबात हुए हैं और जो एक जवाल आया है मोदी BJP को, अगर 2019 में 303 सीटें मिली थीं तो इस बार 240 रह गई हैं, तो इसकी जो असल वजह है वो है मोदी साहब का जो एरोगेंस है, जो हुबरिस है उनकी, उसने बहुत डैमेज किया है। तो शायद ये हो कि जी हमें 2.5 साल के बाद फिर मोदी साहब से रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेप डाउन हो जाएं। अजीत डोवाल साहब इस वक्त मैं पहले भी शायद मैंने कहीं कहा है कि जो लोग भारत का सिस्टम समझते हैं जो इस वक्त ख़ास तौर पे कुछ हो रहा है उसमें अजीत डोवाल की बड़ी अहम प्लेस एक पोजीशन है। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ सर्व भी किया, ऐसा मैंने पहले कहा, 6-7 साल यहाँ पर रहे हैं, और वो कश्मीर को भी जानते हैं, और उनका ही दिया हुआ है ये ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन
और ये उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने से पहले का, उसके बाद उन्होंने उस पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। कश्मीर में जितनी भी आप डेवलपमेंट्स देख रही हैं 2014 से अब तक, वो भी एक लिहाज से उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, क्योंकि ये पहले रिटायरमेंट के बाद, ये जब चूँकि पुलिस सर्विस में थे, फिर ये आईबी के डायरेक्टर भी रहे, उसके चीफ भी रहे, तो फिर उन्होंने अपना एक थिंक टैंक खोला विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन उसके नाम से, और ये उसमें काम भी करते रहे। उनका बेटा भी जो है ना, मेरे ख्याल में आश्वर्या दोवल उसका नाम है, वो भी फिर इसी थिंक टैंक में, उसने भी उसको ज्वाइन किया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जितनी भी इंसर्जेंसीज भारत में हुई, ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन इंसर्जेंसीज को दबाने में। कश्मीर में भी जो कुछ हुआ, मिसाल के तौर पर हमने पिछले गुज़श्ता रोज़ बुरहान बानी की बात की थी, उनकी शहादत की, तो उसके बाद जो कुछ हुआ, 3 महीने तक वहाँ कर्फ्यू लगा रहा, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, तो ये सब जो है अजीत दोवल साहब के ही कारनामे हैं। अब इंटरेस्टिंगली मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि शायद 2-2.5 साल के बाद ये स्टेप डाउन कर जाएं, इसकी एक वजह ये भी है कि हमने देखा है कि इस दफ़े जो ही अजीत दोवल साहब ने अपना चार्ज संभाला तीसरी बार एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसके फौरी बाद ही उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ऑफिस है, उसको रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और ये हमेशा से ये रहा है मुंतहा कि इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के दरमियान एक लिहाज से आप कह लीजिए कंपटीशन रहा है कि मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने। ये भी याद रहे कि जो नेशनल इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये बनी थी नवंबर 1998 में आई थिंक, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, भारत न्यूक्लियर वेपन्स पावर हो गया, तो उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई। तो जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में थे, वो ब्रजेश मिश्रा थे, वो पहले, और वो फॉरेन सर्विस के थे। उसके बाद भी दीक्षित साहब थे, वो भी फॉरेन सर्विस के थे, और उसके बाद फिर नारायण थे एक साहब, वो इंडियन पुलिस सर्विस के थे। उसके बाद फिर एक और साहब आए, मैनन साहब, शिवशंकर मैनन, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विस के थे, और फिर अब दोवल साहब, ये 3 बार रहे और ये फिर अब पुलिस सर्विस हैं। तो ये एक मुकाबला इनके दरमियान रहा है कि किस तरह कौन उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने। अनलाइक हमारे यहाँ तो कुछ सिस्टम उस तरह है नहीं ना। तो ये है कि खास तौर पर श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम श्रीलंका की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उसने कहा कि इस वक्त जो श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात हैं, ये ऑल टाइम हाई हैं। भाई ऑल टाइम हाई क्यों ना होते, जितना कोई इंडिया ने पैसा फेंका है वहाँ पे, जिस तरह इंडिया ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की है, ठीक है जी, तो अब इंडिया श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम यह है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलिवेंस हो। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। अमेरिकन्स को इस चीज का पता है कि इंडिया डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, कि डॉलर को अहमियत कम दी जाए इंटरनेशनल उसमें, लेकिन इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा इसमें, लेकिन इंडिया इसको अपने एक नेशनल इंटरेस्ट में करेगा। जी मैं अपने वो कर रहा हूँ, मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, मैं बिमस्टेक एससीओ के प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा जरूर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे फायदा मिलता है। सो अब फॉर एग्जाम्पल, अभी श्रीलंकन्स क्या कहते हैं कि इंडिया के रोल के बगैर हमारी क्विक रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को ही सपोर्ट करता है, यही कारण कि पाकिस्तान दुनिया में जलील होता है। जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के देशों में आतंकवाद के लिए जाना जाता है, उससे पाकिस्तान इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से इस वक्त परेशान हो चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवादी के रूप में देखती है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को एक एक करके मारा जा रहा है, उससे पाकिस्तानियों की इस वक्त चीख निकल रही है। क्योंकि भारत ने लगातार तीसरी बार भारत के NSA अजीत डोवाल को ही बनाया है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत NSA डोवाल को बना रहा है, उससे पाकिस्तान में आतंकियों की खैर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद छिपे हुए आतंकी एक एक करके मारे जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।